जयकारा जोर से हो। आदि शक्ति माता के जयकारा है, आदि शक्ति माता के जयकारा थोड़ा जोर से। बोल दुर्गा मैया की जय हो, बोल आदि शक्ति महामाया मैया की जय हो, बोलो जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। परमादरणीय भक्तजन, आज आप सब मल्ला आदि शक्ति महामाया मैया दुर्गा मैया के अवतरण की कथा सुनाबो। वैसे तो बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि महात्मा माता जगदम्बा मैया के दुर्गा मैया के अवतरण की कथा सुना है। हमर से कोई भी प्रकार के भूल भी हो जाए निकल लिया, आप मैं सादर क्षमा करू। अभक्त जन हो, माता जी की कथा जो है अपार है, और वह अपार कथा के पार पाने वाला संसार में कोई नहीं है। ऐसे माता आज शक्ति माता जगदम्बा मैया के जन्म कथा आप लोग बताए बर जा था, गलती हुई हो कल ये सादर क्षमा जा था। जय गुरुदेव हरि कीर्तन मानस परिवार ग्राम परसदा कला फिंगेश्वर जिला गरियाबंद सिरकट्टी आश्रम की ओर से सादर आप सबला सत सत नमन है, सहृदय स्वीकार करो। संत राम शरण जी की ओर से सादर प्रणाम अर्पण है, सहृदय स्वीकार करो। आओ माता जी के एक सुंदर से भजन के तत्पश्चात ही आप सब ले चलबो आज शक्ति माता की कथा की ओर। प्रेम से बोल जगदम्बा मैया की जय हो। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिरा वाली जूता वाली माता और बिगड़ी बना दे आज माँ, सिरा वाली जूता वाली माता और बिगड़ी बना दे आज माँ, सिरा वाली जूता वाली माता और बिगड़ी बना दे आज माँ। इस खबर में फंसे ही मैया हाथ पार लगा देना मैया, खबर में फंसे मैया खबर में फंसे ही मैया हाथ पार लगा देना मैया, खबर में फंसे मैया हाथ पार लगा देना मैया। दर्शक हावे मुर चोला दर्शक हावे मुर मेरा, शेरा वाली जूता वाली माता मुर बिगड़ी बना दिया जमा, शेरा वाली जूता वाली माता मुर बिगड़ी बना दिया जमा। आ जमा खबर में फंसे हाथ पार लगा देना मैया, खबर में फंसे हाथ पार लगा देना मैया, खबर में फंसे ही नैया हाथ पार लगा देना मैया, खबर में फंसे नैया हाथ पार लगा देना मैया। दर्शक हावे मोर चोला दर्शक हावे मोर मैया, शेरा वाली जूता वाली माता मोर बिगड़ी बना दे आज माँ, शेरा वाली जूता वाली माता शेरा वाली जूता वाली माता मोर बिगड़ी बना दे आज माँ। आ जमा
वाली लाट वाली जोता वाली हीरा वाली जोता वाली माता मोर बिगड़ी बना दिया हीरा वाली जोता वाली माता मोर बिगड़ी बना दिया हीरा वाली जोता वाली माता मोर बिगड़ी बना दिया शेरवाली भक्त मन के लाज रखे पर आ जाना शिव भोला के तह शक्ति सर कुमारी हे कल्याणी सर कुमारी हे कल्याणी के तह शक्ति सर कुमारी के कल्याणी सर कुमारी हे कल्याणी संत राम तुर भजन करत है संत राम तुर भजन करत है ज्ञान दे दे शेरवाली ज्ञान दे दे शेरवाली ज्ञान दे दे बथुआ के करे सवार दुर्गा के लिए अवतार बथुआ के करे सवार दुर्गा के लिए अवतार मोर बिगड़े काज सवार मोर बिगड़े काज सवार दर्शत हावे मुर देना दर्शत हावे मुर चोला ओ मां शेरा वाली जोता वाली माता मुर बिगड़ी बना दिया शेरा वाली जोता वाली माता मुर बिगड़ी बना दिया शेरवाली दसां च दरबार की जय हो। बड़ा सुंदर बात है देखो आज माता आदि शक्ति महामाया मैया जगदम्बा मैया दुर्गा मैया के संसार भर में पूजा हो गांव गांव में आज माता जी के सुंदर मंदिर बने हैं और उपरांत साल भर में माता जी के दो बार नवरात्रि पर्व आते हैं नवरात्रि नौ दिन की ऐसे नवरात्रि जो महापर्व है भैया वो नवरात्रि पर्व में नौ दिन के पर्व में सब भक्त मनहा आदि शक्ति महामाया मैया के भजन करते सेवा करते और आदि शक्ति माता की कृपा लपाते प्रेम से बोल जगदम्बा मैया की जय हो। देखो कतेक सुंदर बात वो भी एक नारी है जेकर मन के पूजा हो लक्ष्मी मैया नारी है सीता मैया नारी है पार्वती मैया नारी है दुर्गा मैया नारी है अभी कर्मन के काबर पूजा हुआ था थोड़ा सोच के देखो कर्मन के काबर पूजा हुआ थे काबर के मन अपन आपला जानीस अपन आपला पहचानीस तेकर सती आज कर्मन के पूजा होते प्रेम से बोल दुर्गा मैया जय हो। आज भी नारी के पूजा हो सकते आज भी माता मन के पूजा हो सकते देवी मन के पूजा हो सकते तुहर मन के पूजा हो सकते कब हुई जब तुमन अपन आपला जान हो अपन आपला पहचान हो तब तुहर मन की पूजा और अपन शक्ति ला पहचानो अपन ताकत ला जानो वो समय भी दावनावरी से वो समय भी राक्षस रही से महिषासुर
और महिषासुर ला मारे बर आदि शक्ति माता जी जगदम्बा मैया साक्षात धरती में प्रकट हुई और राक्षस ला मारी। आज भी राक्षस है, आज भी राक्षस है, साधु संत ला सतावत है। अब साधु संत बने आदमी मल्ला दुख देवत है ते मर राक्षस रोहित काय, घर में दाई ददा टोटल चपका थे ते मर राक्षस रोहित काय, घर वाली मरोजियल मारा थे ते मर राक्षस रोहित काय, ऐसने मर राक्षस मल्ला दलन करे बर दुर्गा बन जाओ तुमन, लक्ष्मी बन जाओ तुमन, सरस्वती बन जाओ तुहरो मन के पूजा हो। वह नारी चे जेकर फोटो स्कूल में टंगाए रहे, जेकर फोटो स्कूल में टंगाए रहे वह नारी चे अब सब जनों कर पूजा कर काना होकर, थोड़ा जोर से बोलो, झांसी की रानी। सब जन पढ़े हो नहीं किताब में होकर कथा, चमकी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी, झांसी की रानी। बोला जब वोकर तलवार चले अंग्रेज मन के ऊपर में, चका चक चका चक चका चक चक फाटा मुरई बरोबर काटे अंग्रेज, वोकर तो घोड़ा के टापू के आवाज सुन के नहीं अंग्रेज मन थरथर कांपे भागे। आई रे झांसी की रानी भागो, पल्ला भागो, इतना खतरनाक थी सोकर वार अवकर तलवार। आज वो नारी के पूजा होते, वो लक्ष्मी बाई की पूजा होते, काबा हाथ में का धरनी से, थोड़ा जोर से बोलो, हाथ में का धरनी से तलवार। अब आजकल के झांसी की रानी मन हाथ में का धरे है टच मोबाइल, टच अंग्रेज मन भागी नंबर देवे का की कौ तीर में आ जाई। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो, तहु मन लक्ष्मी बन जाओ, काली बन जाओ, दुर्गा बन जाओ, तुहरो मन के पूजा हो जाए। प्रेम से बोल अम्बे मैया की जय हो। चलो ताली बजा के जोर से भजन कर लो, ओकर बाद फिर महिषासुर के कथा बताबो। झूम झूम के झूम झूम के नाचत लंगुरवा, झूम झूम के तो करना ही है नहीं, एका कन एक दत्ता कन बजा आओ का खाले से घुन घुटी झुमात के बरबर घुन घुटी खेला कत को जान मन के चालू हो गए। ओकर से तिमे कहा रथो ताली बने जोर से बजाए करो, काबर कथा सुने बराते ना ते के झंडिया है। ओकर सन में दू झन हुआ थे, कौन कौन, एक झन उंघासी अब एक झन जमासी। ओ मन देखत रहते ए दीदी उंघासी का बहनी जमासी काकर ऊपर जाग झपा, उंघासी कहते देख जे ताली नहीं बजा थे तेकर ऊपर जा और जाग के झपा। हां जे ताली नहीं बजा था तेकर ऊपर जा के ओ जमासी झपा, जमासी झपई तहां चालू आओ आओ के तहां जा के ओकर बड़े बहनी तक झपा गे, ओकर बड़े बहनी तक जाग झपा गे, ओकर नाम का नाम उंघासी। आ उंघासी और जमहासी दोनों झन झपाई तहन ला पेरा छत आओ कथम चेत रही हो कते करा रही थी कथम चेती रहा ओकर खटिया में चल दे थे चेत त उंघासी और जमहासी भगाए बर जोर से ताली बजा। ऐसे करके नहीं एका ए लइका सके बरोबर, थोड़ा हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर कर लो, बोलो जय माता दी, जय माता दी। ऐसे झूम झूम के झूम झूम के नाचत लंगुरवा, झूम झूम के झूम झूम के नाचत लंगुरवा, झूम झूम के झूम झूम के नाचत लंगुरवा, झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के नाचत लंगुरवा, झूम झूम के। आई के भुवन ना हो
करेगी सवारी, सवारी मैया करे सवारी, काहे के मैया करेगी सवारी, करे सवारी मैया करे सवारी, कौन भुवन माँ करे रखवारी, करे रखवारी मैया करे रखवारी, मैया के भुवन माँ हो, ताई के भुवन माओ, झूमे झूमे नाचते लंगुरवा, झूमे 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 नाचते लंगुरवा, झूमे भगवती मैया करे हे सवारी, मैया करे हे सवारी, लाला लंगुरवा करे रखवारी, रखवारी मैया करे रखवारी, भगवती मैया करे हे सवारी, लाला लंगुरवा करे रखवारी, मैया के भुवन माहो, ताई के भुवन माहो, जोर से जयकारा बोल शेरवाली मैया की जय हो। दूजा राक्षस, दो राक्षस, वो दो राक्षस के नाम रंभ और करम। दूजा राक्षस, वो राक्षस क्या कर बेटे, दानव राज दनु का पुत्र, अजी दानव राज दनु का पुत्र, और रंभ और करम था। एक जा राक्षस रही जेकर नाव रही दनु, का नाव दनु, अब वो दनु के दू जन लेकर रही से जेकर नाम रही एक जन के रंभ और एक जन के करम। हिमशिभू दुर्गा मैया की जय हो। रंभ और करम दो भाई रही से, अब वो दोनों भाई शक्ति पावर तपस्या करे बर किस जंगल, तो एक जन भाई कहते एक काम करथन का भैया, कहते काय एक जन देव तक तपस्या नहीं कर, ता एक काम कर ते हां पानी भीतरी रही के, हाओ पानी भीतरी रही के तपस्या कर, आ मैं हां भाठम रही तपस्या करत हूं, तो काकर काकर तपस्या करबो, एक काम कर,
करम भैया ते जल भीतरी रही के ब्रह्मा जी तपस्या पानी भीतरी में रही के आपका पानी में घुसर जा और आपका पानी में घुसर के ब्रह्मा जी तपस्या कर आमे भाठम जाके आगी बार के गोल एक हमार आगी बार के अग्नि भगवान के तपस्या करत हो किस कौन है रम आ वो इसने करी दोनों जन ब्रह्मा को मनाने के लिए करम भजी और जल में तपस्या करते हैं और अग्नि को मनाने रंभ जी अरे अग्नि में तपस्या करते हैं अग्नि को मनाने रंभ जी अग्नि में बैठकर तपस्या करते हैं दीवानी बन जाऊंगी 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 मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मोहना की पटरानी बन जाऊंगी मोहना की पटरानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी बोलिए दुर्गा मैया के जय हो रम औ करम करम भा पानी भीतरी घुसर के तरिया में ओम ब्रह्म देवताए नमः और रम राय ते है बड़ भारी गोला बना लिस और गोला बना को हम घुसर गए और गोला आगे बार दिस ओम अग्नि देवाए नमः कई हजार साल बीत गए भैया उकर तपस्या के कारण तीनों लोक में डंका बजना शुरू हो गई अतका तपस्या करी तीनों लोक में डंका बजा इंद्र डर लागे एक नंबर के डर पोकना ही नहीं उन्हों तपस्या करत देखते नहीं तहां सब ले पहली इंद्र डर रहा था ये दादा ये तपस्या में सफल हो जही तहां देवता मन कर ले वरदान मांगी तहां देवता मन वरदान दी तहां ने बन शक्तिशाली बन जही और शक्तिशाली बन ही तहां मोर इंद्रासन के खतरा है अब सही में ये देवता जीते दे देवता ताकत मिलते वो सबले पहली इंद्रपुरी के राजा बनना चाहता काबर इंद्रपुरी में जत्ता सुख है ना और संसार में सुख भी आओ इंद्र डर आगे इंद्र करी से काम करता हूँ मैं इन दोनों को खत्म कर देता हूँ जोर भक्तों सल भगवान की जय हो आ वो पानी भीतरी तपस्या करत रहा देला खाए बार ओला मारे बार इंद्र का बन गए भैया अरे मगर मच्छ कारू अरे मगर मच्छ कारू अरे इंद्र ने बना इंद्र ने बना जल के भीतर जल के भीतर जल के भीतर जल के भीतर रंभ को हराया रंभ को हराया रंभ को हराया आज कर ले आज कर ले घर के गुणगान बात मेरी तू मान ले आज कर ले तू मान ले
कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, तेरे 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 बॉडी से प्राण रे, तेरे बॉडी से प्राण रे। कर ले घर के दुकान रे, बात मेरी तू मान ले, आज कर ले घर के दुकान रे, बात मेरी तू मान ले। ओ कहीं भी गल न जाए, 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 तेरे 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 बॉडी से प्राण रे, तेरे बॉडी से प्राण रे, तेरे बॉडी से प्राण रे, बोली दुर्गा मैया के जय हो। करम भला खाए बर वो मगरमच्छ बन गए कौन इन, ले तो नान मुन खतरनाक चाल चले, इतना छल इतना कपट, वो तपस्या कर रहे थे तहु तक ला नहीं छोड़ी गए इंद्र, बन के मंगर, अब मंगर बन के गर 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 पहुंची भैया भीतरी भीतरी, और जाके टाप पले कन्हैया धरी सांग अंदर, ओ हड़बड़ 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 हड़बड़, अब भारी मंगर बने रहा है भैया, क्या छोटे मोटे मंगर थोड़े जी, एक आ किलो वाला सही को मेटा डोरे आप ले राक्षस धारी सब पांडा, दो चार घर बिचारा हड़बड़ाई कहां भाई दोगे पानी वानी पी डरीस, जी हां पाट ले छूट गए, जी पाट ले छूट गया वो फल इंद्र गाया, रंभ देखी सुवा वाह रे छलिया इंद्र, तूने छल करके मेरे भाई को मार डाला, अगर मैं तपस्या में नहीं बैठा होता तो इंद्र लोक में जाकर तेरा भुजवन चढ़ा देता, लेकिन समय आने दो बेटा, बदला जरूर लूंगा। फिर तपस्या चालू करी, शव कर तपस्या देख के भैया अग्नि भगवान प्रकट हुए, ब्रह्म की तपस्या देख करके अरे अग्नि प्रकट हो जाते हैं, अरे मांगो मांगो वरदान कह कर भैया अग्नि जी, मांगो मांगो वरदान कह कर अग्नि जी दिलाते हैं, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अग्नि भगवान प्रकट हो गए, रग 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 शरीर होकर भरत रहा है अग्नि भगवान के, अग्नि भगवान बेटा रंभ कथे क्या बताऊं महाराज, मुझे ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदानी पुत्र दो, ऐसा वरदानी पुत्र दो मुझे, जो मेरे पुत्र में इतना शक्ति हो, इतना पावर हो, तीनों लोक को वो हरा सके, तीनों लोग जिसके ताकत से थर्रा जाए, तीनों लोग जिसके ताकत से कांप जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका पद भला कर सके, ऐसा पुत्र दो। अग्नि जी ने कहा रम हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न, हम तुझे वरदान देते हैं, तुम्हें एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति होगी जिसे तीनों लोक 14 भुवन में जितने भी देवी और देवताएं हैं कोई नहीं मार सकेगा।
एव मस्तु तथास्तु। और बेटा रम जाओ, हमने तुझे वरदान दिया, तुम जिस रास्ते से जाओगे उसी रास्ते में कोई यदि स्त्री तुझे मिल जाए उसी से विवाह कर लेना, और उसी से विवाह करने के बाद जिस उससे जो पुत्र प्राप्त होगा वही होगा इस तीनों लोक का विजेता। वरदान दे दे भैया अग्नि भगवान का। अब यदि रम जो है घर जाए छोकरी मिल ही के, छोकरी मिल ही के, छोकरी मिल ही के, अब औरंगा जात रहा है देखत रहा है थी जकर बकल देखे कौन मिल ही कौन मिल ही कौन मिल ही। अब उसने कहा कहा दिन बुढ़ता हो गए, अब कहते कहा दिन बुढ़ी गए, दिन बुढ़ते साथ एक जन छोकरी दिखी, एक सुंदर कन्या, अजी एक सुंदर कन्या। अरे दानव राज रंभ को दिखाई देते हैं और जिनकी मोहनी मूरत को देखकर भैया वो राक्षस मोहित हो जाते हैं। जिनकी मोहनी मूरत देखकर राक्षस मोहित हो जाते हैं। बोल दुर्गे मैया की जय हो।
राक्षस राज रंभ देखता है क्या एक सुंदर सी स्त्री जो है उसी रास्ते से आ रही है जिस रास्ते से राक्षस जा रहा था। छोकरी देखी राक्षस मुहागे, छोकरी देखी राक्षस मुहागे और राक्षस ला देख के वो छोकरी मुहागे, वो राक्षस ला वो छोकरी देखा थे और वो छोकरी वो राक्षस देखा था। वो छोकरी राक्षस देखत रहा है, राक्षस ला छोकरी देखत रहा है और दोनों जन देखी देखा हो भैया तहन हो इसका। अरे आंखों ही आंखों में सारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा मिल गया, बैठे बैठे जीने का सहारा मिल गया। वो ओला देखा रहा है, वो ओला देखा रहा है, दोनों जन एक दूसरा देखी देखा देखी देखा देखी देखा देखी देखा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजकुमारी कौन हो तुम? महाराज मैं राजकुमारी श्यामला हूँ। राजकुमारी श्यामला? हाँ जी महाराज, राजकुमारी श्यामला। किसकी पुत्री हो? राज पृथ्वीराज की पुत्री हूँ। पृथ्वीराज पृथ्वी सेन की पुत्री हूँ मैं, राजकुमारी श्यामला। वो सुंदर, क्या हमसे शादी करोगी? कहते महाराज यदि आपकी इच्छा है तो मैं शादी कर लू। वो जाना रहा बिचारी, हमें तो भैंसी हरो भगवान, मैं तो भैंसी हूँ। अब मोर सन यदि शादी करे बर तैयार है तो फिर मैं काबर शादी नहीं कर लू। लेकिन एक बात है महाराज, किसका बात है महाराज? मैं एक श्रापित कन्या हूँ। प्रेम शबूल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैं एक श्रापित कन्या हूँ, मुझे एक ऋषि ने श्राप दे दिया है महाराज। राक्षस राज रम कथे क्या तुझे श्राप मिला है? कैसा श्राप? कथे महाराज एक बार हम लोग सरोवर में स्नान कर रहे थे सखी सखी मिल करके, और देखा अचानक से उस सरोवर के पार में एक साधु जो है तपस्या कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है। तभी हम लोग उस साधु के साथ में मजाक करने लग गए, पानी को उस साधु के ऊपर छिड़कने लग गए, और साधु के ऊपर छिड़कते छिड़कते हम लोग हंसने लगे। तभी वह साधु भड़क गया, क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया महाराज। पशु जैसे व्यवहार करने वाली स्त्री, जाओ तुम महिषी हो जाओ, हमारा श्राप है। मैंने बहुत क्षमा याचना किया महाराज, मुझे क्षमा कर दो संत जी, मुझे क्षमा कर दो महाराज। मैं ये सब अनजाने में की मजाक में, हम साधु हैं और तुम एक स्त्री हो, ना मजाक करने का हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता है, फिर भी मजाक करती हो, तुम अवश्य ही महिषी हो जाओगी। कौन बतावा थे? राजकुमारी श्यामला। कौन ला? राक्षस राज रम। कथे महाराज तब मैंने उस संत भगवान का चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ करके निवेदन करने लगी, रोने लगी, मेरे आंसू के धार निकलने लगे। तब संत को दया आया और कहा राजकुमारी श्यामला, हमने जो तुझे श्राप दिया है वो अवश्य सत्य होगा, लेकिन तुम्हारे दुख को तकलीफ को देखकर, तुम्हारे विनती और निवेदन को देखकर हम उस श्राप को थोड़ा कम कर देते हैं। तुम रात्रि कालीन में स्त्री के रूप में रहोगी और जैसे ही सूर्य उदय होगा तुम महिषी हो जाओगी। अच्छे महाराज बोला यही श्राप है, मैं बिहना होते साठ भैंसी बन जाऊं आओ दिन उड़ते साठ फिर स्त्री बन जाऊं। महाराज यदि तुमन अतल जाने के बाद मोर संग बिहाव करहू तो फिर बता। राक्षस कहते हो नो प्रॉब्लम, मेरे को स्वीकार है। काबर वो कहे ना भगवान है अग्नि भगवान है, तुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो त्रैलोक्य में राज करेगा।
लेकिन कब, जब जब फर्स्ट बार जिस स्त्री को देखोगी, प्रथम बार इस रास्ते में जाते हुए स्त्री को देखोगी, उस स्त्री से विवाह करोगे तब उसी के गर्भ से पुत्र प्राप्त होगा, जिस त्रैलोक्य में विजय बनेगा। ऐसा कहा है तो इस स्त्री को विवाह तो करना ही पड़ेगा। माला बना डरीस, ओहो, और माला बना के वो तीज बेर वो फैंसी पहना दिस। ये ले, वो छोकरी और तबेर फैंसी ए ऐसी, आओ फैंसी हलो ऐसे निकालीस और निकाल के ओला पहना दिस। हो गए गंधर्व विवाह, प्रेम से बोल भगवान जय हो। बिचारी आरती सजाई, आरती सजा पतिव्रता है भाई, आरती सजा आरती उतारी, आरती करी पूजा करी, स्त्री मन के कर्तव्य। बिचारी बिहाव नहीं होगी जी, बिहाव होगी तहन बिचारी ये दे मस्त ऐसे मुड़ी कान लगा ऐसे मस्त आरती उतारा थे। एक मर्यादा है देवी मन की, मर्यादा ही है ता हमेशा मुंह ढाक के रहना चाहिए। नहीं भाई ऐसे मुंह ढाक के रहे रहा था ता आजकल के मन कैसे मुंह ढाक के रहते, ऐसे मुंह ढाक के रहते से एका कनी से गरी तहन फिर फसा गए, तहन फिर चढ़ा, फिर इसे करी तहन फिर फसा गए, तहन फिर चढ़ा। मर्यादा नो है वो, मर्यादा यही है ता सबले पहली दाई मन कैसे कछुआ लुगरा पहने एकदम मोटा वाला एक था ऐसे करी करी दिन भर बनी हो। अब आजकल वो लुगरा वो सख्त थे बहुत सख्त थे कि ऐसे वाला साफी आ गया, ऐसे वाला ऐसे ऐसे ले तो अब काला चीन में तोरे टूरी तोरे कर ले फटफटी में भुर्र के भागी नहीं। नमस्ते सर के ते नहीं जाना ते बोलो शंकर भगवान की। राजकुमारी सांबला मुड़ी ढाक ली, अब मुड़ी ढाक के सुंदर पूजा करत है भैया। तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो, तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो, तू ही देवता। आरती उतारना चाहिए भाई पति देवता, काबर पति केवल पति न है, पति परमेश्वर है, पति भगवान है, पति देवता है। और तो मन जाना जो पति देवता है तेला आ तुहर दई दादा मन घलो तुहर बिहाव करके विदा करे बेर कहे है के कि नहीं कहे वो हां पति तोर देवता बरोबर देवा तोर भाईओ के नहीं तुमल चलो बताओ। वाह गिज 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 कर नहीं कहे पहली दाई मन कतेक जोरदार समझाए है नहीं भाई पति तोर देवता बरोबा। आजकल गड़बड़ सड़बड़ हो जा, पहली दाई मन बड़े समझा के भेजे अपन बेटी ला, जा मोर हीरा जा मोर बेटी, बड़े जानले हो तोर बटीपा के बेटी, और तरीम जला राम के मिक्चर और पार्ले बिस्कुट ला भर ले हो, जिम जाम देख के ओधम जमा ले। आजकल के मन समझात अब पहले के मन कतेक जोरदार समझाए, जा हीरा जा बेटी वही तोर पति के घर है, परमेश्वर के घर है, जिया जान निकलबे वहां ले, दाई दादा के इलाज रखबे, सास ससुर समझबे, ऐसे कह के ओ बेटी समझा के प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आजकल सब गड़बड़ सड़बड़ हो गए ना, आओ आजकल सब गड़बड़ सड़बड़ करे धली सी, तो ये राजकुमारी श्यामला पतिव्रता नारी दानव राज रंभ के साथ में शादी करके पतिव्रता धर्म वाला पालन करी, कुछ समय के बाद कुछ समय के बाद में वो राजकुमारी सांबला गर्भवती हुई। वो जाना थे ना,
राजकुमारी सांवला जाना थे मेरे गर्भ से जो पुत्र होगा मान बलवान होगा जो त्रैलोक्य में विजय प्राप्त होगा। एक दिन वो राजकुमारी सांवला कथे महाराज आज मोर बड़ा मन हुआ थे फुलवारी घूमे बर जाते कौन लगी अपन घर वाला रंभ अब जैसे रंभ लगी रंभ कथे देख रानी ये दुनिया वाला मन देखे राजा घर वाली भैंसी ये कही के ते बजन बतावे महाराज ते जन बतावे भैंसी की आज का दिलो भीतरीच में रहा है नहीं निकले हो भैंसी निकले थोड़े जी वो भीतरीच में रखे रहा है भई बोल ओकर गोबर कतरल सब राजा छत के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो दादी फोकट थोड़े भैंसी रखे भैंसी रख गोबर कचरा सब लोग फेंके लाग पारछेना तो बच्चा कहीं कर मोलो शंकर भगवान की जय हो। राजा कहते थे कोनो जान बतावे ना भाई भैंसी की के राजा कहते हो चल अब लेगी फुलवारी घूमे बर अरे फुलवारी घूमे बर जावे फुलवारी घूमे बर जावे फुलवारी घूमे पर जावे तेरा जाना नहीं ना जावे फुलवारी घूमे पर जावे 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 फुलवारी घूमे पर जावे फुलवारी घूमे पर जावे गुजरे गुजरे अनिल गली गुजरे अनिल गली सुन ले मोर मायारो तुलसी के मीठे बोलीला तुलसी के मीठे बोलीला तुलसी के मीठे बोलीला तुलसी के मीठे बोलीला गुजरे गुजरे अनिल गली तुलसी के तुलसी के बोलिया तुलसी के बोलिया तुलसी के बोलिया कहा गुरु भाई तोर गुनाह कर जाई कहा गुरु भाई तोर गुनाह कर जाई तुलसी के बोलीला 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 ओ भाई सिलधार के फुलवारी चल अब जैसे फुलवारी ली ओ भैंसी चरा थे गा हरियर हरियर घास ला चरत रहा और राजा एक कण फूल ला देखे बार धर ली बड़ा सुंदर खूबसूरत फूल है दानव राज रम जो एक कण फूल ला देखत रहा है वो की पेर वो भैंसी देख कर इसे एक कण भैंसा खतरनाक इससे सिंह सिंह इससे नहीं रहा इससे रहा उल्टा जन भैंसी बड़ा खतरनाक रहता इतना खतरनाक रहते तब पूछ हमार गांव में एक जन भैंसी रही सरपंच मन के ओकर राजर ल नहीं सिंह में फंसा खेर दे सरपंच मन के राजर ल इसे सिंह में फंसा खेर दे एक दिन वो सिंह मेरा चरे फंसा सुने उल्टा उल्टा वाला सिंह रहा ये इसे अब वो राजा लाई से ऐसे उल्टा वाला सिंह में इसे करके टड़े इसे हेर दे भीतरी नींद के कहीं खाना आकर खा वो दिन वो धोखा हो गई इसे टड़ेरा टड़ेरा सिंह ज्यादा खुश हो गए अब सिंह खुशरी से का वो राजा हट फंस गए और राजा फंसी तो आता हाले इस पर मुड़ीला और जब हाले भैंसी मुड़ीला मुड़ी हले नहीं तो वो राजा रहा के उखाड़
वो कान के फेंक गई कहीं तो भैंसी की मुड़ी में आचार हल्लादा रहा जानवरों का आचार लपोहे के बरोबर नहीं दिखेगा अब भैंसी में मुड़ील हलाए राचर खलो हाले मुड़ील भैंसी हलाए राचर खलो हाले अब फागिस कथा सही भैंसी राचर सुधा खेते 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 छटपटा कर रहा है हड़बड़ा कर रहा है लटपट के रहा है वो राचर इतना खतरनाक आ उसने भैंसा रहा है तेरा भैया वो भैंसील देखी क्या इतना स्मार्ट भैंसी है इतना खूबसूरत भैंसी भैंसा का जाना चाहिए और भैंसा की अब भैंसील देखी अब भैंसा कहा थे भैंसील हे हे भैंसी हे मैडम से कहा हे मैडम काकर घर के भैंसी भैंसी पतिवर्ता रहेगा बिचारी भैंसी पतिवर्ता रहा है अब वो भैंसी है चिटपोट नहीं करी तेजा तेजा उठी जा हम कांगरो घर के भैंसी हम तोला का करे बड़े अब वो बिचारी बता घर नहीं बने मेरा राजा घर वाली भैंसी कहते तेजा हम कांगरो घर के भैंसी हो भैंसा कहते मेरे पास नखरा मत करो चलो, चलो हम दोनों उधर के आप बगीचे में जाएंगे भैंसा आप भैंसी का थबी कर ले भागना जरूरी है भैंसी भागी पल्ला है भैंसा रहा तो कुदाई सो अब कुदाई से सर नहीं भैंसा खर 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 भैंसी रहा तो जोर से आवाज लगे स्वामी बचाओ देखी तब भैंसी भैंसा कुदात रहा है मन माने दानव राज रंभ है तो निकाल तलवार वो भैंसा एक आकनक बलवान नहीं रहा जब तलवार निकाल के तलवार में वार कर सिंह में इससे मार के तलवार हाथ खाली हो गए राजा के और चल इस लड़ाई भैया वो भैंसा और राक्षस राज रंभ में अरे भैंसा राक्षस भाग कर चले दोनों लड़ाई खदबित खदबित मारे मार पीटी पीटा ठक ठक ना खतरनाक लड़ाई हुई वो बेचारा अपन घर वाले बचाना रहा जी उठाई इस मोटका एक कराटा मारिस नहीं भैंसा रहा एक कनक खसकिस खसकी तब परिस काला होकर मुर्गा जान था साइड घो बड़े चला का बाढ़ के पेड़ रहा केला जब वो पेड़ ला मुट का परिस नहीं चुर चुर ले पेड़ वो पेड़ मोटा वो तो लो भैंसा हुआ ना गुस्सा को उठी थी मोला ढीसुम मारने वाला अब मोर का राटल देख भैंसा रहा थे दोनों का लक हमारी चमचौर से राजा का धनी मार चुका था कि वो भैंसा रहा थे कूदे रहा है राजा को पर रहा है बड़े चन चट्टान डोंगरी है भैंसा को मुड़ी परिश नहीं चट्टान कुरी कुरी अब भैंसा क्रोध बढ़ी कसत नहीं छाती में गोभी दीस का सिंह लापा गोभी दीस सिंह गोभाईस नहीं ये पार ले आप अधर राजा सिंह ला गोभी दीस सिंह में चार ना हल्ला एक दिन भैया राजा रंभ रहा थे आ बच्चा
काटले मन स्वामी कर लाई हो के रे साउड़ा के कर लाई हो गे कर लाई हो गे जी जीवड़ा उड़ा के कर लाई हो गे कर लाई हो गे दे साउड़ा के कर लाई हो गे कर लाई हो गे जी जीवड़ा उड़ा के कर लाई हो गे कर लाई हो गे रे कर लाई हो गे ना कर लाई हो गे जी कर लाई हो गे ना कर लाई हो गे रे हंसा बुला गे कर लाई हो गे कर लाई हो गे जी हंसा बुला गे कर लाई हो गे दुनिया माया रे दुनिया माया ना भुलाए रे हरि गुण गाए पर दुनिया माया रे दुनिया माया ना भुलाए रे हरि गुण गाए पर दुनिया माया रे दुनिया माया ना भुलाए रे ददर 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 ददरिया कर लाई हो गे वो दिया बुझा के कर लाई हो गे कर लाई हो गे जी हंसा उड़ा के कर लाई हो गे ददर 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 ददरिया कर लाई हो गे वो हंसा बुला के कर लाई हो गे कर लाई हो गे जी हंसा बुला के कर लाई हो गे कर लाई हो गे रे कर लाई हो गे ना कर लाई हो गे जी कर लाई हो गे ना कर लाई हो गे वो हंसा बुला के कर लाई हो गे हो गए हंसा उड़ा के कर लाई हो गए उड़ा के कर लाई हो गए हंसा उड़ा के कर लाई हो गए हंसा उड़ा के कर लाई हो गए भैंसक सिंह में बेधागे राक्षस राज रम प्राप्त जीव छूट गए वो भैंसा रहा है अब भैंसी पर फिर दौड़ी गया मेरा रास्ता का काटा हट गया अब तुझे कौन बचाएगा भूरी भैंसी तुझे बचाने वाला तो मर गया अब तुझे कौन बचाएगा भूरी भैंसी दौड़े भैंसी बार खटक 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 और भैंसी रहा थे जोर से चिल्ले बचाओ घर वाला मरीज नहीं थे यक्षमन के मित्र हैं भले राक्षस है लेकिन यक्षमन के मित्र हैं यक्षराज बचाओ आपके मित्र को मार करिए भैंसा मुझे मारने दौड़ रहा है उतिल यक्षराज प्रकट हुई आप प्रकट होके भैंसा का घूम खड़ा कर खबरदार इसे मारने और ले जाने की कोशिश किया तो मैं तुझे मार डालूंगा ओकर डर के मारे भैंसा भाग मरे रहा है ओकर मितानी की संगवारी चीता बने इस यक्षराज मन और चीता बना के भैया
वहां रंभ लसुता दिस और आगे लगा दिस। जैसे आगे लगी तीन बुढ़े रहेगा दिन बुढ़ताहक दे रहा है नहीं। जैसे आगी लगई आधा दिन हाँ बुढ़े रहा आधा आधा दिन बुढ़े रहा दौड़ गए और दौड़ के मारी छलांग जूता में टाप ले। स्वामी आपके बिना इस दुनिया में मैं नहीं नहीं रहना चाहता मैं भी मर जाना चाहती हूँ। आधा मनखे रहा है और आधा भैंसी रहा है आधा मनसे वादा भैंसी कबर दिन में भैंसी रही तो अब दिन बुढ़ता बेरम जलिस चीता तब मनखे तो बने पर जात रही लेकिन आधा शरीर है ओकर भैंसी रही से और आधा शरीर है मनसे चीतम कुदी और जैसे चीतम कुदी भर 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 आग करी सब दैत्य मन सकला के देखो देखो क्या हो रहा है हमारे राजा रानी जल रही है जल रहा है। आओ आओ शुक्राचार्य घलो पहुंची सो हो ये तुम्हारे साथ क्या हुआ रंभ तुम दोनों कैसे मारे गए वोटी बरो आकाश में धधकी सागी भाग 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 वहां से आवाज आई घबराओ नहीं हमारे माता और पिता का बदला लेने हम मोर खतरनाक दानव विशाल काय काला कलूटा पैदल भैया और राक्षसी के गर्भ से आधा भैंसा और आधा राक्षस प्रेम शिवूल दुर्गा मिया की जय हो। जैसे वो चीता लुतरी से जनो एक जनो राक्षस वहां प्रकट हो गए तब पहली जे राक्षस जन्म ले कैसे नहीं वो भैंसी पेट ले ओकर नाम परीस महिषासुर महिषी के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही महिषासुर और एक और जो बालक जन्म लिया उसका नाम पड़ा रक्तबीज और रक्त बीज के शरीर कटा जाए ना तो वहां ले एक ठन कोनो बूंद गिरतीस नहीं भैया में टप ले तो एक ठन राक्षस था वो ओकरे समान बलवान प्रकट हो जाए इतना खतरनाक भयंकर राक्षस मन बड़ा प्रसन्न हो गए चलो कोई बात नहीं राजा की जगह में हमें राजा मिल गया। चारों ओर राक्षस राज की जयकार जय जयकार होने लगा और देखते देखते राक्षस विशाल का लड़का नहीं विशाल का बन गए सेकंड में सेकंड में विशाल का है बड़ा भारी दानव राजा बना दिस महिषासुर और राजा बनी तहन का पूछत भैया वहु मांगे वरदान ब्रह्मा जी का अरे ब्रह्मा जी की तपस्या कर लेने लगे दोनों दानव ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे दोनों दानव और उनकी तपस्या देखकर भैया अरे ब्रह्मा जी प्रकट हो उनकी तपस्या देखकर भैया ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं तपस्या देख के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए मांगो बेटा क्या चाहिए
दोनों जन भी वरदान मांगी समय अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते आओ दूसरा वरदान मांग लो थर्रा, ये वरदान के मंगैया तू ही मन पहली हो थर्रा, लेकिन कोई नहीं तो दूसरा वरदान मांगो। महिषासुर ने कहा पितामह आप हमें वरदान देना चाहते हैं? हाँ। इस 33 कोटि देवी देवता में मुझे कोई ना मार सके, ना मनुष्य मुझे मार सके, ना पशु मार सके, ना कोई देवता मार सके, किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया हुआ प्राणी मुझे ना मार सके। वरदान मांगिस गए काठन लगा कबे ओकर वरदान ल सुन में नहीं थर्रा जा। मुझे कोई मनुष्य ना मार सके, नाग ना मार सके, किन्नर ना मार सके, यक्ष ना मार सके, गंधर्व ना मार सके, किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया हुआ प्राणी मुझे ना मार सके, अग्नि वरुण कुबेर सूर्य किसी में मुझे मारने की ताकत ना हो। ऐ मस्तु रक्त बीज तुझे क्या चाहिए? पितामह मैं क्या मांगू पितामह? कोई मुझे मारे तो मेरे शरीर से यदि खून निकलता है तो उस खून से एक और रक्त भी प्रकट होता है। ऐसा ही हो तालका मचा दी तीनों लोग चौदह भवन में थर थर कांपे लग गए देवता मन। यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश के मारने से भी वह राक्षस नहीं मरा। सब देवता आकर के ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा के पास आए तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु के पास चलो, विष्णु के पास आए तो भगवान शिव के पास चलो। सब देवता आपस में बैठक सकला है, सब देवता आपस में बैठक सकला है। कथे भगवान भोलेनाथ कैसे भी करके उस राक्षस को मारने के लिए उपाय बनाओ, नहीं तो वो धरती को ही समाप्त कर देगा, इस सृष्टि को ही समाप्त कर देगा। धरती थर्रा उठी है उस राक्षस के आतंक से, महिषासुर के आतंक से, रक्त बीज के आतंक से। कैसे भी करके उस दानव से छुटकारा दिलाओ प्रभु, छुटकारा दिलाओ। भगवान शिव ने कहा चिंता ना करो, हम भी उसके आतंक से क्रोधित हैं। आप क्रोधित हैं कि इतने धन भगवान शंकर जी की आंखें ले दूठन दिव्य ज्योति निकली गर 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 रग 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 आकाश में जाग तक आ गई। विष्णु भगवान की आंखें से दूठन ज्योति निकली रग 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 और शंकर भगवान के ज्योति जाग समा गए। ब्रह्मा जी के मुख से, इंद्र के मुख से, अग्नि के मुख से, वरुण के मुख से, जतका भी देवी देवता है तिकर मन के मुख से ज्योति निकला जाए, ज्वालामुखी बरोबर रग 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 वो एक में समाहित हो गए। अब एक में समाहित होके देवी के रूप धारण कर, देवी के रूप 18 भुजा एक आठन में 18 भुजा शेर में सवार, शेर 18 भुजा वाली शेर में सवार मिया। देवताओं को कहते कहो देवताओं मुझे किस लिए प्रकट किया? सब देवतागण आरती उतारते हैं मैया जी के। मैया जी अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय मैया सत्वर वाली, तेरे ही भूमि गाए भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हम सब उतारे तेरी।
जमीन पर मैया पीर पड़ी है भारी माँ पीर पड़ी है भारी तेरे भक्त जमीन पर मैया पीर पड़ी है भारी पीर पड़ी है भारी दाना दल पे टूट पड़ो माँ दाना दल पे टूट मड़ो माँ होके सिंह सवारी सौ सौ सिंगो से शक्तिशाली करुणा बरसाने वाली तेरे ही बोली गाए भारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती जय हो शेरा वाली मैया की सुंदर देवता मनारती तक हिमालय पर्वत जो है माता जी ला शेर प्रदान करीस भगवान शंकर जी त्रिशूल प्रदान करीस ब्रह्मा जी वेद प्रदान करीस भगवान विष्णु जी चक्र सुदर्शन प्रदान करीस सब देवता मन अपन शक्ति प्रदान करीस देवी कथे देवी आप ही हो जो हम सबके दुख को मिटा सकती हो महिषा सुर एक ऐसा दानव है माँ जो इस संसार को नष्ट भ्रष्ट कर देगा उसी के खात्मा के लिए आपका अवतार हुआ है शब्द देवता मल्लक थे तुमन चिंता मत करो कुछ पल में ही वो दानव वाला समाप्त करके लौटा तुम्हें कि प्रेम बोल दुर्गा मैया की चलिस भगवान सवार होके आप भगवा गुरावत गुर्रावत है भैया ओ गुर्रावत गुर्रावत माता जी शेर में सवार हो गए पर्वत में जाके विराजमान पर्वत में विराजमान चलो माता अम्बे रानी के भजन करो ताली बजा के जोरदार चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया आया है
से हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो चलो भगवान सवार होके माता जी हिमालय में बैठे और जब भगवान को रस नहीं ते पहुंचिस कहां वो राक्षस के आवाज का महल तक और भगवान की आवाज वो राक्षस के महल तक पहुंची महिषासुर के थे दूत ये कैसा आवाज है जाकर पता लगा कराओ वो दूत रहा था खर्दिक 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 चाक देखी हिमालय पर्वत में माता जी शेर में सवार होके सुंदर स्त्री के रूप धारण करके बैठे रहा दूत आके बताए महाराज महाराज की जय हो बोलो क्या हो महाराज क्या बताऊं आपको महाराज एक सुंदर सा स्त्री है जो आपके वरने के लायक है महाराज आपके स्त्री के लायक है आप उससे शादी कर लेना बहुत सुंदर स्त्री है। महिषासुर ने कहा मंत्री महोदय जी महाराज जाओ और उस सुंदर स्त्री को लेकर आओ। ओ महिषासुर के बाद सुनी तो मंत्री रहा थे रथ में पहुंच गया खड़ा खड़ा और टाप ले रथ रुकी देवी देवी तुम कौन हो देवी और यहाँ इस पर्वत में कैसे विचर रही हो देवी ने कहा जितना काम है उतना ही बात करो जितना सोच कर आए हो उतना ही कहो और ज्यादा कुछ मत कहो हमारे पास आपसे बात करने के लिए कोई टाइम नहीं है ठीक है देवी तो हम जितना सोच कर आए हो उतना ही कहेंगे हमारे राक्षस राज महिषासुर का आदेश है कि आपको पकड़ कर ले जाया जाए क्यों क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। दुर्गा माता कहते अरे राक्षसों जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से पाताल लोग भाग जाओ जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से पाताल लोग भाग जाओ और नहीं तो जितने भी दानव है उस दानव को मारने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूं और एक को नहीं एक एक को खोज खोज कर मारूंगी ढूंढ ढूंढ कर मारूंगी आकाश से लेकर पाताल तक खोज कर मारूंगी किसी भी दानव को जीने की मोहलत नहीं मिलेगा कोई जिंदा नहीं बचेगा सबको खत्म कर डालूंगी जाओ अगर तुम्हारे राजा में हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ाई करें जाओ। मंत्री रहा थे जाग बताइएगा महाराज वो कोई साधारण कन्या नहीं है ललकार कर आपसे कही है यदि प्राण बचाना है तो पाताल लोक में जाकर छिप जाए और कल सुनी महिषासुर रहा था मेछा लाठी खतरनाक में छरक रहा टाइगर छाप मेछी
पाताल लोक में जाकर छुप जाए। उस सुंदर स्त्री के कहने से क्या वो स्त्री हमारे बारे में नहीं जानती? जी महाराज, वो आपके बारे में नहीं जानती। बिल्कुल भी नहीं जानती। जी महाराज, वो बिल्कुल भी नहीं जानती। अच्छा फिरो जाओ और उस स्त्री को पकड़ कर ले आओ। सब में अच्छा लगता है। एक नंबर में अच्छा रख रहा है टाइगर छाप मेची। नागपुर से सीधा कानपुर तक जुड़े रहा है भैया। और मेचा नागपुर ले कानपुर तक। इतना खतरनाक कई जन के में छह एक से एक पहली एक से एक में छह रखे टाइगर छाप में झिपारी छाप में छा। वो कैसे रहा झिपारी छाप में छा? बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। झिपारी छाप में छा। यहाँ तीहा जागे है तिया तिया काट लेते भे। यादियां जागे ते यादियां काट लेते भे रहा। खतरनाक में छे नहीं। दूध वाला चाह पीते ना ता साड़ियों में चटक जाए। चाह सुपुर सुपुर पिए दूध वाला चाह पिया थे साड़ियां हलियां चटक। गर्मी दिन में सगा आ गया लस्सी बना के दे दे इसे कहा था तो पिया थे लस्सी का बना पिया थे अच्छा थे पिया थे अच्छा थे पिया थे अच्छा थे पिया थे आधा लस्सी बचे पीवे का कहि तो मरीच ना खा पाल। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इतना खतरनाक नानू खतरनाक ही से ऐसे में अच्छा रखे पहली गुनी तलवार कटिन में छा। तलवार कटिन में झकिस रहा है ऐसे आके ऐसे ऐसे आके ऐसे बोला कहते तलवार कटिन में छा। एक से एक में अच्छा रखे पहली गुनी एक से एक एकर में छल देख ले क्या टाप के में छा। अगले जन्म में यहो मही ससुर के छोटे भाई रिस पीला वाला। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सब राक्षस मन की भैया इतना एक से खतरनाक राक्षस ताम्र राक्षस और अक्ष राक्षस दुर्गुप्त चिक्षुराक्षस ताम्राक्ष राक्षस असिलोमा विदालाक्ष नान मुन खतरनाक राक्षस का कई हजार सेना लेके चलो। हरे धरु 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 मारु रे चिंता बन लागे भैया। धरु 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 मारु रे चिंता बन लागे भैया रे। धरु 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 मारु रे चिंता बन लागे भाई रे। धरु 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 मारु रे चिंता बन लागे भाई रे। धरु 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 मारु रे चिंता बन लागे भैया रे। सब जात देवी सनका उहा भीड़ लागे भैया रे। सब जात देवी सनका उहा भीड़ लागे भैया रे। धरु 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 मारुगा चिल्ला बन लागे भाई रे। धरु 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 मारुगा चिल्ला बन लागे भाई रे। धरु 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 श्याम का दीवाना
मैं तो श्याम का दीवाना, मुझे श्याम चाहिए, श्याम का दीवाना, मुझे श्याम चाहिए, श्याम का दीवाना, मुझे श्याम चाहिए, श्याम का दीवाना, मुझे श्याम चाहिए। बजाने वाले भैया चराने वाले, बंसी बजाने वाले भैया चराने वाले, गोपाल चाहिए बजलाल चाहिए, श्याम का दीवाना, नाम का दीवाना, मुझे राम चाहिए, श्याम का दीवाना, बोल शेरवाली मैया की जय हो। बड़ा भारी राक्षस की सेना, ताम्र तारकाक्ष दुर्मग चक्षुराज तमाक्ष विलोमा प्रियाक्ष, जाओ और जाकर उस देवी को खसीट कर राजमहल ले जाओ। ओ सब टूट पड़ी भैया, बघो रहा थे कुर्री बिल्ली देखत रही, मारी बघो छल्ला खेत ल मारत जाय नख में, जब नख में मारिस घेत चकाक ले घाटी आ बैठा, एक घाटी नु खान के फेंक दे, हैं घाटी ला वो खान के फेंक दिस, अच्छा दिन चढ़ के घेत ले लहुल पी दिस। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय हो। आदि शक्ति दुर्गा मैया निकाले धनुष और चढ़ा पांच रिखा, आकाश में गर्जना करते हुए पान रगरग 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 चमचम 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 गेस, और जत्ता भी राक्षस रहा तेरा सट्टा सब के गर्दन अल्लाह खत्म सेकंड भर में, हजारों करोड़ों राक्षस ला एक साथ समाप्त कर दी। मंत्री ने आकर बताया महाराज वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, विकराल रूप धारण करके हमारे सभी राक्षसों को मार डाला, उसके पास में एक शेर है, कई राक्षसों को तो घायल करके चीत चीत के मार डाला महाराज, इतना खतरनाक है वो देवी। महिषासुर कहे चलो हम जाते हैं, ओ महिषासुर क्रोधित हो गए भैया, और भैंसे का रूप लेकर महिषा, अरे महिषे भैंसे का रूप लेकर महिषा, अरे देवी के पास में आते हैं, अरे देवी के पास में आते हैं, अरे देवी के पास में आते हैं, देवी जो वह देख कर अति क्रोधित हो जाते हैं, देवी को वह देख कर अति क्रोधित हो जाते हैं। हम श्याम तेरी मुरली, हम श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, हम श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, जब श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, जब श्याम तेरी मुरली पागल कर
कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बनी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बनी पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घायल कर जाती है। घायल कर जाती है। प्रेम शबूल आदि शक्ति महामया मैया के साधा राक्षस चिल्लई सियोर से महिषा से बड़ा कुठी भगवान साधान भगवा घलो आबर भगवान दिखत रहा वह फैसा ससुर आ भैसा मन के काल भगवा कथे माँ वो भैसा आवा थे चक्कर पर जाओ आदि शक्ति मैया कहते जा सब भगवत तमड़ी भैया कर जा उठ के भगवत धरी भैंसल कपिया के शरीर में चटका फोकला रखा चलवा तार और तार के फेंक महिषा सुर को दे दे बाप रे भगवान मात का ताकत अतका भगवान ताकत मोर भैंसल मार डर सावधान देवी सावधान रे मूर्ख तुझे मैंने हजारों समझाया लेकिन तू नहीं माना। आज तेरा अंत निश्चित करूंगी। ओम महिषासुर घलो निकाली हाथ में धनुष और चला बाण कर 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 बाण जब छूटी तो अग्नि बाण बन गए। ओ आगे निकलत वाले रग 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 दुर्गा माता निकाली धनुष और चढ़ा पान छोड़े जब छोड़े पानी बरसी भैया गदगद 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 और अग्नि मार रहा है नहीं अग्नि बाण ते उच कर बुझा गई भैया आधा वो कतको बरत रहा है उच कर बुझा गई। फिर राक्षस निकाली दूसरा वाला बाण नांग सांप जैसे सांप चलिस नहीं ओ तिल दुर्गा माता निकालिस गरुड़ बाण कर 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 ओ गरुड़ बाण के चीउ 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 करत के वो सांप ला गोंदा गोंदा काट के गिरा दिस। महिषासुर कहते नहीं 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 ये अब धनुष बाण से काम चलने वाला नहीं है। उठा आदि शक्ति मैया वाला त्रिशूल में रोकेश आ त्रिशूल में रोक उठाए पाप बाम सब मारे महिषा के प्राण से गिर गए। महिषासुर मरण चले गए दुर्गा माई महिषासुर मरण चले गए दुर्गा माई होके वो सवारी महिषासुर मारन चले हैं दुर्गा माई 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 बकवा माँ होके वो
के क्रोध के पार नहीं है, चुंदी विकराल छरिया रहा, आंखें लाल लाल दिखत है, नेत्र से अग्नि बरसे लग गए भैया, क्रोध के मारा मारे माता जी है धात शो ये बघवा के ऊपर में आकाश में उड़ के बघवा सुधा आओ बघवा है मारी छपाटा महिषासुर के छाती ऊपर कुदेश वहां ले दुर्गा माता निकाले त्रिशूल महिषासुर के छाती में खुसर के त्रिशूल महिषासुर मारन चले है दुर्गा माई महिषासुर मारन चले है दुर्गा माई आकाश में उड़ा के महिषासुर मारे बर दुर्गा मैया भगवा सुधा मारी छल्लां दोनों पंजन जब मारिस महिषासुर के छाती राम से धरती में गिरी महिषासुर निकाले माता जी त्रिशूल शंकर भगवान के त्रिशूल चकाक ले छाती में गड़ गए के घोर कर जनक करे लग रात घोर गर्जना करते करते जो राक्षस है माँ से क्षमा मांगे लग गए माँ मुझे माफ कर दो माँ मुझे क्षमा कर दो मैया मुझे क्षमा कर दो माते मुझे क्षमा कर दो मैया मुझे क्षमा कर दो आकाश से सभी देवतागण जो है फूल की वर्षा करने लगे जय हो देवी आदि शक्ति जय हो माता आदि शक्ति जय हो दुर्गा मैया जय हो काली जय हो लक्ष्मी जय हो सरस्वती सब देवता आकाश से फूल की वर्षा कर रहे हैं आकाश में ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिलकर माता जी की जय जयकार कर रहे हैं सब माता जी की जय जयकार कर रहे हैं सब माता जी की जय जयकार कर रहे हैं आज माता आदि शक्ति के द्वारा महिषासुर का वध हो जाता है और महिषासुर के वध के बाद माता जी का जो है भगवान नारायण के पास में फिर जाना होता है।